व्हाट्सएप के उत्ते मेरे लिख के पा देना अपने घर का एड्रैस तो फोन नंबर। रमन अरोड़ा जी, सरदार आत्म प्रकाश सिंह बबलू जी, साडे वालों तुहाडा लोकतंत्र के चौथे थम मीडिया का किता इत्थे पहुँचे हो। अज असी एक अहम मसले के उत्ते, जदों देश आजाद होया सीगा ते साडे हज़ारां नौजवानों ने देश वास्ते उन्हां दे मन दे विच एक जज्बा सी कि भारत नूं आजाद करवा के ते असी एक उच्चियां बुलंदियां ते लै के जाइए, लोकतंत्र स्थापित करिए और लोकतंत्र दे विच लोक जिहड़े ने उन्हां दे मुद्दे उठाए जाण, लोकां दे मुद्दे हल होण, अनपढ़ता देश दे विचों खत्म होवे, लोकां नूं सही ठीक उच्च पद्धर दीआं सेहत सहूलतां मिलण, नौजवानां नूं रुज़गार मिले, ये सारियां उन्हां दे मन दे विच एक भावनावां सीगियां जिहदे करके शहीद आजम सरदार भगत सिंह, राजगुरू सुखदेव, करतार सिंह सराभा जी, लाला लाजपत राय जी, मुटकेश्वर दत्त जी, इन्हां ने सब ने कुर्बानियां दित्तियां देश वास्ते। पर अज भगत सिंह जी ने भी कहा सीगा कि मैनूं इस गल का कोई चिंता नहीं है कि देश आजाद नहीं होगा, देश तो आजाद होएगा ही, पर देश आजाद होने बाद सत्ता जिहड़ी आ उह किहदे हथ दे विच जाएगी, इस गल की ज़्यादा चिंता सी। अज जदों अंग्रेज़ां दा राज सी, जदों उन्हां दे काले कानून सी, उन्हां ने भी शायद हद्दां बन्ने पार ना कीते होण। अज एक जस्ट एक पोस्टर लगाउण दे उत्ते कि मोदी हटाओ देश बचाओ, ये पोस्टर लगे दिल्ली दे विच। अज असी 30 मार्च 2023 नूं अज असी देश दे कोने कोने दे विच ये पोस्टर जड़े आ वो लगा रहे हैं। साडा कोई ये नहीं है कि निजी कोई साडे उदेश ने, असी देश दे जो संविधान आ जिहड़ा सानू डॉक्टर बी आर साहब अंबेदकर ने संविधान दिता सीगा, असी चाहुंदे आ ये देश उस संविधान दे अनुसार चले और हर एक नूं आज़ादी होवे अपनी गल रखन दी। जेकर अज एक मोदी हटाओ देश बचाओ दे पोस्टर लाउण ते 138 FIR दर्ज हो जांदियां ने ते साडा राइट टू एक्सप्रैशन, साडे विचारां दे प्रगटावे दा जिहड़ा आ वो अधिकार ही संविधान दे विच जिहड़ा सानू मिलिया आ वो खत्म हो जांदा। बाबा साहब बी आर अंबेदकर जी ने संविधान दे अनुच्छेद 32 नूं कहा सीगा कि ये संविधान की आत्मा है, संविधान का सब तो वधिया अनुच्छेद आ। और अज सानू असैंबली लगाउण वास्ते भी, विधानसभा का सैशन बुलाउण वास्ते भी उस 32 धारा की आड़ दे हेठ सानू सुप्रीम कोर्ट के जाके उत्थों मंजूरी लैनी पैंदी आ। किस तरह का लोकतंत्र आ कि जदों असी अपने साडे चुने हुए नुमाइंदे भी जिहड़े आ वो विधानसभा दे विच सैशन बुलाउण वास्ते भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच करनी पैंदी। सो अज संविधान दीआं शरेआम धज्जियां उड़ाइयां जा रही ने, एक पोस्टर लगाउण दे उत्ते इन्ना बवाल खड़ा किया जा रहा है कि मोदी हटाओ देश बचाओ, इहदे विच गलत की आ कि जिहड़े साडे किसान भरा ने जिन्हां नाल वादे हुए सीगे कि MSP दे कानून बनेगा, ये कानून बना सके, कोई कानून नहीं बनया। कि अज जिहड़े साडे विद्यार्थी ने जिन्हां दे वड्डियां वड्डियां डिग्रियां करके उन्हां दे माँ बाप पढ़ाइयां करा के किसी आस उम्मीद दे नाल उन्हां नूं पैसे कर्जे ते लै के भी उन्हां नूं पढ़ाउंदे ने कि उन्हां नूं रोज़गार मिलदा, उन्हां दा भविख कित्थे आ? अज मजदूर जिहड़े ने उह सवेर तों इकट्ठे हो जांदे ने वख वख चौंकां दे विच, मोढ़े दे परना रख के आ जाते ने, उन्हां नूं दिहाड़ी नहीं मिलती, उन्हां नाल किसे तरह का कोई आर्थिक उन्हां नूं पूरियां सहूलतां नहीं हैगियां। सो कि उन्हां वास्ते ये जड़ी अजाम आ, ये जड़ा सरकार आ, ये उन्हां वास्ते अज तक कुछ कर सकी? सो अज दा
कहन का मतलब मेरा यह है कि लोकतंत्र दे विच जिथे लोग उच्चे होंदे ने जिथे लोगों अपने विचारां दे प्रगटावे की आजादी हुंदी आ जिथे लोगों ने अपने हर पद्धर ते सरकार वल देखना हुंदा आ उत्थे अज मोदी साहब जिहड़े ने वो एक विचारां दे प्रगटावे नूं लैके ते 138 FIR जिहड़ियां ने वो दर्ज कर रहे ने। मैं मोदी साहब नूं इस तुहाडे साहब दे जरिए यह दसना चाहुंदा हां कि ये देश जिहड़ा आ ये लोकतंत्री देश आ। साडा संविधान ही शुरू इस गल तों हुंदा आ असीं भारत दे लोक, असीं भारत दे लोक अगे सारी गल चलदी आ क्योंकि जो देश आ ये देश भारत दे लोकां दा संविधान भारत दे लोकां ने बनाया। असीं धर्म निरपक्ष हाँ, समाजवादी हाँ, लोकतंत्री आ, गणराज आ साडा। सो असीं इस संविधान नूं दीआं धज्जियां जिहड़ियां आ उह नहीं उड्डण देवांगे। जे अडानी जड़ा जे इन्हां दी मोदी साहब दी यारी आ अडानी दे नाल की मोदी दे हुंदिआं अज अडानी दी कोई जांच करवा सकदा? अज कोई अडानी दी जांच कर जे मोदी साहब मुख प्रधानमंत्री ने ते अडानी दी जांच हो सकदी आ? किन्ने किन्ने घपले हुंदे ने, कोई नीरव मोदी लै गया, कोई ललित मोदी लै गया, कोई कोई लै गया, सारा कुछ। और आम बंदे जड़े ने ये उत्थे दे उत्थे ही बैठे ने। सो आज़ादी दे 75 साल बाद भी अज जड़ा आ अज ये मौका जड़ा आ वो उन्हां लोकां तक नहीं पहुँचा जिन्हां लोकां वास्ते साडे शहीदां ने भर जवानी दी उम्रे जड़ियां शहीदियां प्राप्त कीतियां सीगियां। सो अज असीं ये मुहिम जड़ी आ ये पूरे भारत दे विच शुरू कीती आ। अज असीं बचाओ ये असीं अज पोस्टर जड़े आ इत्थे जलंधर दे विच भी और देश दे कोने कोने दे विच लावांगे। जे इन्हां नूं ये भरम भुलेखा आ कि असी परचे करके असी FIR लॉज करके असी ये चीज़ों को बच जाएंगे तो साढ़े तो जिन्या FIR करनिया कर लैन इन्हां दियां जेलां जिहड़ियां ने वो छोटियां पै जाणगियां। और जिन्ने परचे करने चाहते ने ये कर सकते ने। असी ये जड़े असी अज शहीदां दी जड़ियाँ आत्मा ने उन्हां दियाँ उन्हां तो असी सेध लेंदे होए असी उन्हां तो ताकत लेंदे होए असी वाहिगुरु के चरणों च बेनती करते हैं कि सानू उन्हां शहीदां दियाँ जो आत्मावां ने वो सानू ताकत देन और असी इस धक्केशाही वाला निज़ाम जड़ा आ जड़ा एक बोलन की आज़ादी के उत्ते पाबंदी ला रहा है जड़ा अज देश की अनपढ़ता खत्म नहीं कर सकिया, बेरोज़गारी खत्म नहीं कर सकिया, भ्रिष्टाचार खत्म नहीं कर सकिया, महंगाई खत्म नहीं कर सकिया। उस अजा उस सरकार नू मोदी नू हटाना अज देश वास्ते जड़ा आ ये बहुत जरूरी हो गया। अज मोदी दे हत्थां दे विच ये साडे ना विद्यार्थियों का जीवन सुरक्षित आ, ना किसानों का जीवन सुरक्षित आ, ना मजदूरों का जीवन सुरक्षित आ। अज सिर्फ वो ही कारपोरेट चंद कु घराने जड़े ने वो अपना काम जड़ा आ वो करी जा रहे ने, बाकी सारे जड़े ने वो अज आर्थिक आज़ादी तो जड़े ने वो वांझे पए ने। राजनीतिक आज़ादी भी जड़ी आ खतरे च पाई हुई आ, डरा के धमका के अपनी पार्टी दे विच जड़ा आ वो ये लै रहे ने। और कई थावां ते जिथे देखो दिल्ली दे विच मनीष सिसोदिया जी दे उत्ते कोई रिकवरी नहीं होई, कोई पैसा नहीं फड़िया गया, वो अज जेल दे विच बंद ने। ते एक कर्नाटका दे इन्हां दे MLA जड़े आ वो जदों वो फड़े गए 6 करोड़ रुपया जड़ा आ उन्हां दे कोलों रिकवरी भी हो गई, उन्हां दे दफ्तर चों रिकवरी भी होई, घर चों भी रिकवरी होई, उन्हां दे उत्ते कोई एक्शन नहीं। और एक बंदा जड़ा देश दा भविख सुधार रहा, देश के करोड़ों बच्चों का भविख जड़ा आ उस बंदे दी सोच दे नाल जुड़िया होया आ। इक्को ही कारण कि ये व्यक्ति देश नूं अज देश दे बच्चों नूं पढ़ा के ते एक उच्च मुकाम ते खड़ना चाहुंदा आ ते जिहदे नाल क्योंकि पढ़ना पढ़ाउणा ते चाहुंदे नहीं आ, क्योंकि जे साडे बच्चे पढ़ गए ते फिर उह सवाल भी करनगे, उह अग्गे भी जाणगे। देश कोई भी उदों तरक्की करता आ, सूबा भी उदों ही कोई तरक्की करता आ जदों उहदे बच्चे पढ़ जाते हैं। सो साडी आम आदमी पार्टी दे कन्वीनर श्री अरविंद केजरीवाल, साडे माणयोग मुख्यमंत्री पंजाब सरदार भगवंत सिंह मान, साडे जो मनीष सिसोदिया जी, उन्होंने एक अहम अपने सिर बीड़ा चुकिया सीगा कि असी पंजाब दे असी देश दे बच्चों का भविख जड़ा आ वो बनाउणा आ, असी उन्हां नूं वधिया स्कूल देने ने, वधिया
स्कूलों के उन्हों की पढ़ाई करवानी है, उन्होंने व्डे मुकाम से लेके जाना है। ये चीज़ जी अज मोदी साहब न बीजेपी चुभ रही है। ये नहीं चाहते कि गरीबों के बच्चे जोड़े आ पढ़न, इस करके ही जोड़े योजे एक्शन जोड़े हुए हैं। वो कभी अपनी CBI यूज़ हो जाती है, कभी ED यूज़ होंगी आ, जो विपक्ष आ विपक्ष के जोड़े बंदे होंगे ने विरोधी धिर के, वह भी जनता के नुमाइंदे ने, वह भी चुन के ही आए हैं। उन्होंने हल्किया ने बकायदा उन्होंने अपना विश्वास प्रगट किया, उन्होंने अपनी गल रखन का अधिकार हों, और जड़े आ लोग सभा दियां मैंबरें रद्द करी जा रहे हैं। सो अज पूरे इस धक्केशाही के विरुद्ध, इस तानाशाही रवैये के विरुद्ध असी देश के कोने कोने के जड़े आ मोदी हटाओ देश बचाओ के जड़े पोस्टर वो ला रहे हैं। कोई FIR तो नहीं डरते, कोई जेलों तो नहीं डरते, जिन्ने 138 कीतियां ने FIR जिन्नियां करनियां चाहते हैं ये कर लैन। ये देश की आवाज़ आ, हर बंदा देश के अज चाह रहा कि मोदी के हत्थां दे विच भारत सुरक्षित नहीं आ, जे देश नूं बचाउणा आ ते मोदी नूं हटाउणा पऊगा। इस करके ही असीं अज ये पोस्टर जारी किया। तुहाडा सारयां दा बहुत बहुत धन्यवाद। जलंधर सिटी एंड इवन जस्ट बिकॉज जलंधर इज अ पोल बाउंड कंस्टिट्यूएंसी एंड नाउ यू कैन सी द पोस्टर्स मेंशन दैट मोदी हटाओ देश बचाओ एंड दिस हैज दीज पोस्टर्स हैज बीन पेस्टेड एट द डिस्ट्रिक्ट।